केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के लगभग 125 शिक्षकों और गैर शिक्षकों को करीब 18.64 करोड़ रुपए की वार्षिक सैलरी ग्रांट रुक सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को इस बारे में पत्र लिखकर अवगत करवा दिया है। यूजीसी की कार्रवाई हुई तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के लगभग 125 शिक्षक और गैर शिक्षक मुसीबत में पड़ जाएंगे। कुलपति को लिखे पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो वर्ष 2014 व 2016 तक नियमों के विपरीत ज्यादा वेतन लेने वाले एक अधिकारी से 3 लाख से अधिक रुपए की रिकवरी न करने पर केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन को फटकार लगाई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा है कि बार बार रिमाइंडर्स भेजने के बावजूद आखिर उस व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने साफ तौर पर पूछा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई की है। पत्र में लिखकर पूछा गया है कि उस अधिकारी से रिकवरी नहीं हुई तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की 2017-18 की सैलरी ग्रांट रोक दी जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस पत्र मिलने के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी ने नियमों के विपरीत ज्यादा सैलरी लेने वाले एक अधिकारी से रिकवरी संबंधी फाइल फिर से कुलपति को भेज दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति पिछले करीब 1 साल से लंबित अधिकारी की फाइल और लटकाते हैं या कोई इसका हल भी निकालेगा। गौरतलब है कि उस अधिकारी से रिकवरी के लिए वित्तीय अधिकारी पिछले 1 साल से पत्राचार कर रहे हैं लेकिन रिकवरी हो नहीं पा रही है। उस अधिकारी से रिकवरी का पता ऑडिट में चला था, तभी केंद्रीय सरकार के आदेश के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जांच में अधिकारी पर 3 लाख रुपए की रिकवरी डाली थी, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों के 1 साल बाद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस अधिकारी से रिकवरी नहीं की। उधर जब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कुलदीप अग्निहोत्री से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है। रिकवरी नहीं की है तो यूजीसी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक पत्र लिखा है जिसमें इसे जल्द रिकवरी करने को कहा गया है। बीसी की ओर से इसमें क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? हम जो भी नियम के अनुसार होगा हम नियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे जो भी होगा, और कोई भी काम नियमों के विपरीत नहीं किया जाएगा। सर अभी तक इस मामले में क्या प्रगति हुई है और आपने क्या अधिकारी को कोई नोटिस जारी किया है या लिखित में उनसे इस बारे में जवाब मांगा है? मैंने यही कहा कि जो भी नियमों के अनुसार बनता होगा वो जरूर किया जाएगा, नियम के विपरीत कोई काम नहीं किया जाएगा और सब काम नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।